हाय एवरीबॉडी, संत कबीर का एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, व्हेन इट कम्स टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन एफर्ट्स, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, वी नीड सिंपल मेजर्स जिसको इफेक्टिवली और पब्लिकली हम सब मिलके उन इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट करें। This is what is required when it comes to fight against climate change, when it comes to conservation of our planet Earth. Mother Teresa का भी एक quote है, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Everybody, imagine if 8 billion people on this planet Earth starts putting their action towards this climate conservation, then only बहुत कम एफर्ट्स में और बहुत आसानी से ये जो क्लाइमेट कंजर्वेशन की प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट हो पाएगी। और इसी के लिए हमें लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस इज कॉल्ड मिशन लाइफ। सो टुडेज टॉपिक इज मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी लॉन्च किया है मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, in the presence of United Nations Secretary General Antonio Guterres at the Statue of Unity at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. So ये मिशन क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, दिस इज अबाउट लाइफ, दिस इज अबाउट लाइफ स्टाइल, एंड लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ फैक्ट, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ फैक्ट, और ये सब ग्लोबल फिनोमिनन। तो अगर इनके अगेंस्ट इनको कंजर्वेशन करने की अगर एफर्ट्स डालने हैं तो सबका अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस डिफरेंट रेसेस, कंट्रीज, बिलीफ सिस्टम, एवरीबडी को यहाँ पर चिप इन करना पड़ेगा, बिकॉज ये कहलाते हैं ग्लोबल कॉमन्स। क्या होते हैं, जैसे रिवर्स हो गई, एयर हो गया, ओशन हो गया, स्पेस हो गया, दीज आर ग्लोबल कॉमन्स। सो अगर ग्लोबल कॉमन्स को कंजर्व करना है तो सबके एफर्ट्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। पिछले 2 डेकेड से, स्पेशली 1972 जब क्लब ऑफ रोम आया था, तब से हमने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स डालने चालू कर दिए। हमने बहुत सारी मीटिंग्स किया, क्योटो प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, COP26 अभी हाल ही में ग्लासगो समिट में हुआ था, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था पंचामृत क्या होता है आप बताइए। अब द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट तो स्टेप्स ले रही है, बट व्हाट अबाउट रोपिंग इन दीज 8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, 8 बिलियन पीपल को भी अगर हम बिहेवियरल चेंज के लिए पुश करते हैं, नज करते हैं, देन हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं बहुत मिनिमम लिमिटेड एफर्ट्स में। सो द आइडिया इज, मैक्रो मेजर्स तो हैं बट हमें माइक्रो लेवल पे पॉलिसी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत है। सो द आइडिया इज कि इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड होगा जब क्लाइमेट चेंज की फाइट को हमें लड़ना है। इंडिविजुअल, कम्युनिटी के बिहेवियरल चेंज से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू UN EP, हमें इन 8 बिलियन पीपल जो प्लानट अर्थ में है, अगर इनका हम एफर्ट्स अगर पुट इन करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड दिस इज लाइफ इनिशिएटिव। सो 2021 में, अब इसका हिस्ट्री क्या है, सो 2021 में हुआ था ग्लासगो समिट, और ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था ग्लासगो में, इंडिविजुअल बिहेवियर, जैसे मैक्रो इकोनॉमी होता है ना, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, तो सिमिलरली क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल बिहेवियर में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और ये ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का नैरेटिव आगे होने वाला है। हमारा जो थॉट प्रोसेस था, प्रिवेलेंट थॉट प्रोसेस था, वो था जैसे यूज एंड डिस्पोज, यूज एंड थ्रो, इस थॉट प्रोसेस को कम करना है, माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन को कम करना है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ वन थिंग बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। सो इसमें वेस्टेज नहीं होता एंड प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है एक प्रोसेस का, वो इनपुट बन जाता है किसी दूसरी प्रोसेस का। तो इससे सारे मटेरियल सर्क्यूलेट होते हैं, वेस्टेजेस नहीं बनता। सो वी नीड दिस सर्क्यूलर इकोनॉमी। हमें माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसको आप बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हो एनवायरनमेंट दिस जीएस पेपर 3 एज वेल एज इसमें एथिक्स के भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और इसको नॉर्मल ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, यू कैन यूज दीज फॉलो पॉइंट्स एवरीवेयर। सो हमें माइंडलेस यूजेज को स्टॉप करना है। यूज एंड डिस्पोज की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना है और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। अप्रोच क्या है? अब अप्रोच है जन आंदोलन का। जन आंदोलन मतलब जैसे महात्मा गांधी जी बोलते थे, पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ नंबर्स। जन आंदोलन बनाए, बिहेवियरल चेंज बनाए, फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर और उनको नच करें कि हमारे जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, मैं आगे बताता हूँ, उनमें आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर अपना एक्शन लें। को क्रिएट करें ग्लोबली। पॉइंट नंबर 2 है को क्रिएट ग्लोबली। को क्रिएट ग्लोबली का मतलब है, एक टर्म आता है क्राउड सोर्सिंग क्या होता है कि हम चीज़ों को हम पब्लिक में बिल्ड कर रहे हैं, हम सबको बहुत सारे टास्क असाइन कर रहे हैं और एवरीबडी इज चिपिंग इन स्मॉल अमाउंट, और इससे क्राउड सोर्सिंग हो रही है। क्राउड सोर्स करें एम्पेरिकल स्केलेबल आइडियाज़ का, सबके आइडियाज़ ले। जैसे एक हैकाथॉन प्रैक्टिस होती है, क्राउड सोर्स एम्पेरिकल एंड स्केलेबल आइडियाज़। जो बेस्ट माइंड्स हैं उनको रोप इन करें। यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रोप इन करें, वहाँ से आइडियाज़ लें। देन थर्ड पॉइंट है लेवरेज करें लोकल कल्चर। यू नो जो लोकल पीपल होते हैं, जो उनके पास हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, आईची टारगेट्स में भी हमने पढ़ा था, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो द आइडिया इज़ जो लोकल कल्चर है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ वो सस्टेनेबली रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सम ट्राइबल पीपल वी कैन से, इनसे हम क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर एंड वे ऑफ लाइफ सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हाउसेज हम ट्राइबल कम्युनिटी जैसे हाउसेज बनाती है, जिसमें ना एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है, वेंटिलेशन इज़ वेरी गुड। सो वी कैन टेक आइडियाज़ फ्रॉम देयर। सो द लोकल कल्चर को लेवरेज करना ज़रूरी होगा। तो इसकी 3 अप्रोच है लाइफ स्कीम की, लाइफ इनिशिएटिव की। पहला इंडिविजुअल बिहेवियर, जन आंदोलन। दूसरा को क्रिएट ग्लोबली एंड थर्ड इज़ लेवरेज लोकल कल्चर। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है लाइफ के? तो ऑब्जेक्टिव है लाइफस्टाइल चेंज के कि हम प्रमोट करें कॉन्शियस लाइफस्टाइल, माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन करें। देन पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन, नज करें इंडिविजुअल्स को क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस को लेने के लिए। एक कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, वो है P3 का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल। सो वी नीड प्रो प्लैनेट पीपल। एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल होनी चाहिए और सोशल नेटवर्क, इन्फ्लुएंस, सोशल नॉर्म्स एट्सेट्रा क्लाइमेट में ज़रूरी है। अब लाइफ मूवमेंट है, लाइफ मूवमेंट को जन आंदोलन बनाना है और इसका विजन होगा, द विजन ऑफ लाइफ इज़ टू लिव अ लाइफस्टाइल दैट इज़ इन ट्यून विद अवर प्लैनेट एंड डज नॉट हार्म इट। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं टर्म नियो डिटर्मिनिज्म, दैट इज़ व्हाट वी नीड, प्रो प्लैनेट पीपल। और इसका मिशन होगा हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करें, सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। और इसकी 3 प्रोंज्ड स्ट्रैटेजी है। पहला, नज करें इंडिविजुअल को, एनकरेज करें सिंपलिस्टिक वेज ऑफ लाइफ हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस हो। देन इंडस्ट्रीज को भी हम नज करें, उनको इनेबल करें सो दैट जो डिमांड आ रही है उसको वो सस्टेनेबल वे में डिप्लॉय कर पाए। थर्ड जो होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को भी हम इन्फ्लुएंस करें और उधर हम प्रो दिस क्लाइमेट होने की बात करें। सो द आइडिया इज़ जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप डेली शॉवर लेते हो, उसमें कितना पानी वेस्ट हो रहा है, हम कुकिंग में क्या एफिशिएंट वे ऑफ कुकिंग कर रहे हैं, एनर्जी वेस्टेज, एयर कंडीशनर्स ऑन है, ट्रैवल के टाइम पे सामने रेड लाइट है बट द इंजन इज़ ऑन, देन देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ दिस फ्यूल। सो द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ स्मॉल थिंग्स आर रिक्वायर्ड सो दैट हम जो लाइफस्टाइल है 8 बिलियन पीपल की, ये हो इन सिंक विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बूंद बूंद से घड़ा बनता है, घड़ा भरता है बूंद बूंद से. एंड व्हेन इट कम्स टू प्लैनेट अर्थ, तो इट इज नॉट अबाउट वन पीपल, इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस इज मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.